अपनी तरह के इस अनोखे लीची फेस्टिवल में सभी किसान भाइयों और इसके कल्टीवेशन में इच्छुक तथा इसमें संभावना तलाश रहे सभी मित्रों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आर्थिक रूप से संपन्नता के जो द्वार खोल रही लीची, मुझे लगता है कि ये जो मिठास पैदा कर रही है वो वास्तविक लीची के मिठास से ज्यादा बेहतर है। और मुझे लगता है कि लीची फेस्टिवल एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में उस आकांक्षा का प्रतीक है जिसने हमें परंपरागत खेती से अलग हटकर अनएक्सप्लोर्ड एरियाज को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरणा दी है। और मुझे लगता है कि अभी जिस शब्द की बड़ी चर्चा हुई, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्हीं बातों के लिए इस महत्वाकांक्षी अभियान का जन्म हुआ था। और मुझे भरोसा है कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए ये HADP गेम चेंजर साबित होगा। भारत भूषण जी अभी आपसे जिक्र कर रहे थे कानूनों का, पहले हाई डेंसिटी प्लांटेशन की अनुमति केवल एप्पल के क्षेत्र में ही थी, जम्मू रीजन उससे वंचित था। अब इस तरह के जो कानून थे जो लोगों में भेदभाव पैदा करते थे, अब इस तरह के कोई कानून जम्मू कश्मीर में नहीं रह गए, वो समाप्त हो गए। कल सभी DC साहिबान के साथ एक मैंने बैठक किया था जम्मू संभाग के, ये मैं विशेष रूप से इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारे डायरेक्टर साहिबान हैं, चाहे एग्रीकल्चर के, हॉर्टिकल्चर के या बाकी लाइन डिपार्टमेंट, उनसे मेरा निवेदन है, HADP जिस गति से कश्मीर डिवीजन में आगे बढ़ रहा है उस गति से जम्मू डिवीजन में बढ़े, इसके लिए थोड़ा विशेष प्रयास करने की जरूरत है। कल DC साहबान से मैंने निजी रूप से सबसे अनुरोध किया, किसी DC साहब ने मुझसे कहा कि इतनी एप्लीकेशन आई है उसमें इतनी हमने कैंसिल कर दी क्योंकि वो ठीक से फॉर्म नहीं भरे गए। हमने उनसे कहा कि भाई किसान जो कम पढ़ा लिखा है, या मैं कहूं कि बहुत ऐसे किसान हैं जो अनपढ़ हैं, इस बिना पर उनका फॉर्म मत रिजेक्ट करिए कि फॉर्म गलत ढंग से भरा गया। जो एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के दफ्तर हैं, जम्मू कश्मीर प्रशासन के जो आला अफसर हैं, उनसे मेरी अपेक्षा है और निवेदन भी है कि उनके फार्म को ठीक कराना ये हमारी जिम्मेदारी और इस काम को हमें गति के साथ करने की जरूरत है। ये सच है कि पिछले 4-5 वर्षों में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में यहाँ के किसान भाइयों के जीवन में एक नया बदलाव आवे, इसके लिए अनेक प्रयत्न हुए हैं, अनेक लक्ष्य भी तय किए गए, अनेक प्रकार के नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। उद्देश्य एक ही रहा है कि किसानों की ताकत बढ़े, आर्थिक रूप से किसान संपन्न हो। हर एक योजना में ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया गया है कि किसान भाइयों का समग्र सशक्तिकरण हो और उनका घर समृद्धि से भरा हो। एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर में हर एक निर्णय में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक संकल्प लिया है कि जिस प्रकार इंडस्ट्री और डिजिटल सेक्टर के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन हो रहा है, उस लेवल का परिवर्तन खेती और किसानों में भी होना चाहिए, क्योंकि 70% आबादी हमारी जम्मू कश्मीर की एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पर ही निर्भर करती है उसका जीवन। आर्थिक सुरक्षा की भावना और किसान भी महसूस कर सके, इसके अनेक प्रयत्न हुए। और मुझे लगता है कि किसान भाई उस बदलाव को महसूस भी कर रहे होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज ऐसे क्षेत्र जिनमें जम्मू कश्मीर का किसान अपना भाग्य नहीं आजमाता था, आज हाथ आजमा रहा है पूरी साहस के साथ और पूरी क्षमता के साथ।
अभी एक बहन मंच से बोल रही थी, मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि उनकी बात से सभागार में बैठी हुई अनेक बहनें और बच्चियां जरूर प्रभावित हुई होंगी। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी सैकड़ों किसान भाई हर महीने पत्र लिखते हैं। हर तीसरे पत्र में एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर से जुड़े सुझाव होते हैं। कुछ लोग उपलब्धियों का भी जिक्र करते हैं। समय समय पर मैं उनकी चर्चा भी करता हूं और ये एक माध्यम होता है किसान भाइयों का अनुभव और उनके जीवन में हो रहे बदलाव के बारे में मैं जान पाता हूं। पिछले 4-5 वर्षों में किसान भाइयों ने डाइवर्सिफिकेशन के द्वारा जो बदलाव लाया है और जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को जिस तरह से आगे बढ़ाया है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। किसान भाइयों के पत्रों के माध्यम से मुझे एक और अनूठे तथ्य का एहसास हुआ। हमारे समाज में प्रोग्रेसिव किसान भाई केवल बढ़ चढ़ करके खुद का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की मदद भी कर रहे हैं और उन्हें डाइवर्सिफिकेशन के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। अनजान रास्ते पर चलकर नई मंजिल प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं और इसलिए नए किसान बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। जो बात हमारे प्रमुख सचिव शैलेंद्र कुमार जी ने कही, मुझे लगता है कि विभाग तो प्रयत्न कर ही रहा है, जो लोग हाथ आजमा चुके उनसे मेरा निवेदन है कि आप अपने दूसरे किसान भाइयों को जरूर प्रेरित करें। नए क्रॉप में क्या क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है, हमारे एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर या लाइन डिपार्टमेंट के अफसर बता जरूर रहे हैं, जिले स्तर के भी डायरेक्टर स्तर के भी, लेकिन ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर से भी मेरा अनुरोध है कि अपने अड़ोस पड़ोस के किसानों का मार्गदर्शन करें। और हमारी संस्कृति का ये हिस्सा है, सनातन हिस्सा है कि दूसरे को रास्ता दिखाना, यही हमारे समाज का मूल्य और आदर्श रहा है। और वास्तव में ऐसे जीवंत उदाहरण देखकर किसानों पर अन्नदाताओं पर हमें फख्र का अनुभव होता है। इस तरह का व्यवहार और नई कार्य संस्कृति इस बात का भी प्रतीक है कि आज हमारा किसान नए विजन के साथ काम करने के लिए तत्पर है। खेती किसानी अब उनके लिए सिर्फ परिवार के भरण पोषण का साधन नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर और राष्ट्र निर्माण का माध्यम बन रहा है। लीची फेस्टिवल मैं मानता हूं कि उसी कड़ी का एक हिस्सा है। डॉक्टर त्रिपाठी ने बहुत विस्तार से बताया, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कृषि विश्वविद्यालय लीची के प्लांटेशन के क्षेत्र में कुछ ऐसा कमाल करे कि जो अभी आमदनी है किस लीची किसानों की उसमें काफी में बढ़ोतरी हो। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो पूरे जम्मू कश्मीर में मुख्यतया 3 तरह के एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। जम्मू संभाग के 10 जिलों में 2 तरह के एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, पहला सब ट्रॉपिकल और दूसरा इंटरमीडिएट। जम्मू संभाग में सामान्य रूप से मक्का गेहूं साइट्रस पैडी राजमा अलसी यही पैदावार होती थी, अब उसमें एप्पल वॉलनट लीची को भी शामिल कर लिया गया है। योजनाबद्ध तरीके से इस पर काम किया जा रहा, जैसा मेरे पूर्व बताया गया कि 1225 हेक्टेयर जमीन में लीची की खेती हो रही है और 2334 मेट्रिक टन लीची का उत्पादन हो रहा है। 160 हेक्टेयर लीची की खेती को हाई डेंसिटी प्लांटेशन में कैसे परिवर्तित किया जाए, इसके लिए सरकारी तौर पर प्रयत्न हो रहा है। मुझे बताया गया है कि लीची के ट्रेडिशनल प्लांटेशन द्वारा किसान भाइयों को सामान्य रूप से 15,000 रुपये प्रति कैनाल आमदनी होती थी, अब हाई डेंसिटी प्लांटेशन के कारण जैसा चैलेंज कुमार जी ने बताया लगभग 60,000 रुपये प्रति कैनाल की आमदनी हो रही। इस एक इंटरवेंशन से लीची के किसान भाइयों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है।
आज देश के कुल लीची का 40% उत्पादन बिहार में ही होता है। वहां मुजफ्फरपुर लीची उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। बिहार के बाद वेस्ट बंगाल और उसके बाद झारखंड का नंबर आता है। मुझे बताया गया है कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन मटेरियल के लिए एलीट वैरायटी के मदर प्लांट का इंपोर्ट मुजफ्फरपुर के नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची से किया जा रहा है और डिपार्टमेंट की नर्सरी से किसानों को प्लांट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आने वाले समय में प्रोग्रेसिव किसान भाई मदर प्लांट यूनिट लगावे, इस दिशा में इस खास जम्मू को मदद करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसमें मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपका साइंटिफिक इंटरवेंशन एक बड़ा जरिया बन सकता है। मैं किसान भाइयों को भरोसा देना चाहता हूँ, लीची तथा जम्मू संभाग के अन्य फ्रूट्स की मार्केटिंग के लिए भी एक सुनियोजित प्रयत्न प्रशासन की ओर से भविष्य में किया जाएगा। कई किसानों ने कहा कि फसल हमारी बर्बाद होती है, भारत भूषण जी ने भी कुछ सुझाव दिए हैं, उस पर प्रशासन गंभीरता से विचार करेगा। अधिक से अधिक जमीनों का कैसे हम उपयोग कर सकें, उसमें जो कानूनी दिक्कतें हैं उन कानूनों को कैसे बदला जा सकता है। परंपरागत खेती हॉर्टिकल्चर और डेयरी उद्योग में कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और साथ साथ वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए, इसका प्रयत्न हो रहा है। और लक्ष्य कही है कि किसान भाई बहनों को अपनी मेहनत का वाजिब दाम मिल सके। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रशासन किसान भाइयों के लिए एंड टू एंड सोल्यूशन पर काम करने की कोशिश कर रहा है, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत अभियान में जम्मू कश्मीर का एग्रीकल्चर और लाइफ सेक्टर भी अपना योगदान दे सके। अनेक प्रयास इधर हुए हैं और मुझे लगता है कि भारत सरकार की भी अनेक स्कीम्स हैं, जम्मू कश्मीर प्रशासन की स्कीम से मेरा निवेदन होगा आपसे कि आप उन स्कीम्स का पूरा लाभ उठाएं। कई प्रयत्न हुए हैं, फिशरी सेक्टर को भी फोकस तरीके से जम्मू संभाग में विकसित करने का प्रयत्न हो रहा है। मोनोकल्चर की बजाय कंपोजिट कल्चर के तालाब विकसित किए जा रहे हैं। जम्मू संभाग में बासमती राइस, भदरवा के राजमा, सुलई हनी, उधमपुर की कलाड़ी, इन्हें जीआई टैगिंग मिल चुकी है और ऑर्गेनिक पद्धति से खेती करने के लिए कैसे किसान आगे बढ़े, इसके लिए भी हैंड होल्डिंग की जा रही है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जम्मू संभाग में डेयरी के विकास को भी विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से 50 जानवर गाय या भैंस का डेयरी उद्योग लगाने के लिए 50% तक की सब्सिडी जम्मू कश्मीर प्रशासन दे रहा है। देश के किसी दूसरे राज्य में इतनी सब्सिडी किसानों को नहीं दी जा रही है, मैं बड़े जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ। और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि इन योजनाओं का आप लाभ उठाइए। परिवर्तन की इस यात्रा में जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा के सहभागी बनिए। परंपरागत खेती में नई क्रांति के लिए भी अनेक ऐसे कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं, जिससे हर एक किसान भाई के परिवार में समृद्धि आ सके। मिनिमम सपोर्ट प्राइस अभी कई फसलों की, खरीफ फसलों की बढ़ाई गई है और 2023 की तुलना में काफी वृद्धि हुई है, चाहे वो ज्वार हो, बाजरा हो, रागी हो, दाल हो, मक्का हो। और एक दशक के आंकड़े को अगर आप देखेंगे तो 10 वर्षों में किसान भाइयों को पैडी और गेहूं की फसलों के लिए MSP के रूप में लगभग 18 लाख करोड़ रुपए का भुगतान भारत सरकार ने किया है। यही नहीं, 10 वर्षों में जो फर्टिलाइजर खाद उपलब्ध कराई गई उसमें भी 11 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी भारत सरकार ने दिया है। ये इस बात का प्रमाण है कि किसान भाइयों को सशक्त बनाना
माननीय प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। आज मैं जम्मू संभाग के किसान भाई बहनों से एक निवेदन करना चाहूंगा, सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना जो भारत सरकार की योजना है, डिस्ट्रिक्ट वाइज उत्पाद के अनुसार फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को विकसित करने में मदद कर सकती है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर भी जम्मू संभाग के प्रोग्रेसिव किसान भाई एंटरप्रेन्योर्स जुड़े, इसका भी प्रयत्न किया जा रहा है। मैं आप सबको भरोसा देना चाहता हूं, आश्वस्त करना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर प्रशासन, एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के हमारे सभी सहयोगी इन सभी योजनाओं में आपकी मदद के लिए तत्पर रहेंगे। श्री अन्न यानी मिलेट की खेती को भी आने वाले दिनों में हम बढ़ावें, ये समय की आवश्यकता है। इस अवसर का आप जरूर लाभ उठावें। मैं एक बार पुनः लीची फेस्टिवल के इस अद्भुत आयोजन के लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और प्रमुख सचिव एग्रीकल्चर श्री शैलेंद्र कुमार जी का हृदय से साधुवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।